मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को अपने ऑफिस में देखते हैं और उसका नाम होता है मैनुएल। थोड़ी देर बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है और अगले ही सीन में हम उसे उसकी वाइफ लूपे के साथ देखते हैं। उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक बेड खरीदा होता है और इतने में लूपे उसे बताती है कि उसके मंथली साइकिल्स फिर से आ गए हैं और इसके बाद वो दोनों सैड हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों कुछ टाइम से एक बेबी प्लान कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता और फिर रात को वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मैनुएल ऑफिस जाता है और वहाँ उसका बॉस उसे रूबेन से मिलवाता है और कहता है कि रूबेन ने कुछ टाइम के लिए यहाँ ऑफिस ज्वाइन किया है और उसके बाद वो दूसरी कंट्री जाने वाला है और रूबेन तुम्हारे अंडर ही काम करेगा। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद जब मैनुएल काम कर रहा होता है तो रूबेन आकर उसका काम देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, जिसे सुनकर मैनुएल भी खुश हो जाता है। रात को जब मैनुएल घर जाता है तो उसकी बीबी लूपे उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाती है, जिसके बाद वो लोग मैनुएल का भी टेस्ट करवाने वाले थे। फिर अगली रात जब मैनुएल घर आता है तो उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई होती हैं। लूपे उदास होती है और मैनुएल से कहती है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक डॉक्टर के पास गए होते हैं जो कहता है कि तुम लोग स्पर्म डोनर की मदद से पेरेंट्स बन सकते हो और इसके लिए $40,000 लगेंगे। वो दोनों इससे उदास हो जाते हैं और घर जाकर मैनुएल वो रिपोर्ट देखता है जो लूपे ने डस्टबिन में फेंक दी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैनुएल का स्पर्म काउंट 0 होता है। इसके बाद मैनुएल उदास रहने लगता है और अगले दिन वो रूबेन के साथ एक जगह जाता है जहाँ वो दोनों बैठकर माल फूंकते हैं। उसी रात लूपे और मैनुएल एक लड़के से मिलने जाते हैं जिससे वो दोनों स्पर्म डोनेट करने की बात कहने वाले होते हैं। लूपे उस लड़के से कुछ क्वेश्चंस पूछती है लेकिन मैनुएल को वो पसंद नहीं होता। वहाँ से जाने के बाद मैनुएल कहता है कि हम उससे स्पर्म नहीं लेंगे क्योंकि बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसने हमारे बच्चे को सब बता दिया तो क्या होगा। लूपे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। अगले दिन मैनुएल काम पे होता है और रूबेन को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो रूबेन के पास जाकर बात करता है तो रूबेन उससे बताता है कि मैं इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैनुएल कहता है कि तुम रात को डिनर पे मेरे घर आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। फिर रात को रूबेन मैनुएल के घर जाता है जहाँ लूपे उससे कुछ सवाल पूछती है और रूबेन को इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगता है तो लूपे रूबेन के स्पर्म के लिए हाँ कर देती है। फिर मैनुएल रूबेन को पैसे दे देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। और फिर घर आकर मैनुएल लूपे को बता देता है कि रूबेन उनकी मदद करेगा और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन मैनुएल और रूबेन डॉक्टर के पास स्पर्म सैंपल के लिए गए होते हैं और वहीं रूबेन को एक फ़ोन आता है जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर वो मैनुएल को बताता है कि पैसे ना देने की वजह से लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाल दिया है, तो क्या मैं आपके साथ आपके घर पे रह सकता हूँ। रूबेन उनकी मदद कर रहा होता है और मैनुएल उसे मना नहीं कर पाता। और फिर स्पर्म देने के बाद रात को वो दोनों मैनुएल के घर चले जाते हैं और फिर रूबेन उन्हीं के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद जब लूपे प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है और जिसके बाद वो दोनों सैड हो जाते हैं। रूबेन उन दोनों से कहता है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे, तुम दोनों उदास मत हो जाओ। तो मैनुएल कहता है कि हमारे पास दोबारा ट्राई करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर अगली सुबह जब मैनुएल काम पर होता है तो देखता है कि रूबेन एक आदमी के साथ है जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसे एक गन देता है और ये सब मैनुएल को अच्छा नहीं लगता। रात को मैनुएल एक पिल खाता है और उसके बाद लूपे को सेड्यूस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह रूबेन को जाना होता है और मैनुएल लूपे से कहता है कि रूबेन कल जा रहा है तो तुम एक बार आकर उससे मिल लो। और फिर वो तीनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों डांस करने लगते हैं और मैनुएल लूपे को रूबेन के सामने कर देता है। ये मोमेंट लूपे के लिए अजीब होता है लेकिन फिर लूपे और रूबेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मैनुएल को ये अच्छा नहीं लगता लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो कुछ नहीं कहता। फिर वो तीनों बेडरूम में चले जाते हैं और रूबेन लूपे के साथ रोमांस करने लगता है और मैनुएल भी ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह रूबेन भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चला जाता है
और रात को मैनुअल और लुपे एक साथ टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। लुपे को रुबेन के साथ इंटीमेट होने के बाद कुछ एहसास होता है और वो उसी को याद करके खुद को सेड्यूस करने लगती है। कुछ दिनों बाद लुपे और मैनुअल रेंट पे एक शॉप देखने के लिए जाते हैं और रात को जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो रुबेन भी वापस आ गया होता है। रुबेन उन्हें बताता है कि जिसने बॉर्डर पार करवाना था उसने हमारे सारे पैसे ले लिए और हमें मारकर वापस भेज दिया। मैनुअल कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तो रुबेन कहता है कि यहाँ मेरे आपके अलावा कोई नहीं है। रुबेन को चोट लगी होती है और लुपे उसको दवाई लगाने लगती है और अब रुबेन के पास कोई भी जॉब नहीं होती। अगले दिन मैनुअल रुबेन को घर के बाहर पेंट करने का काम दे देता है ताकि वो पूरा दिन बिजी रह सके। फिर वीकेंड पे वो तीनों स्विमिंग के लिए जाते हैं और जब लुपे और रुबेन साथ में मस्ती कर रहे होते हैं तो ये सब मैनुअल को अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों के बीच चला जाता है। मैनुअल को रुबेन का उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता और जब वो दोनों वॉशरूम में होते हैं तो वो रुबेन को धमकाने लगता है। रुबेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो मैनुअल को मारकर बाहर चला जाता है, लेकिन मैनुअल इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाता। घर जाकर मैनुअल लुपे से पूछता है कि जब तुमने रुबेन के साथ रोमांस किया था तो तुम्हें कैसा लगा था। ये बात सुनकर लुपे गुस्सा हो जाती है और इसके बाद मैनुअल उसे कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन जब मैनुअल काम से वापस आता है तो रुबेन और लुपे को एक साथ देखता है और लुपे मैनुअल से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं और लुपे मैनुअल को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर मैनुअल खुश हो जाता है और रुबेन को भी गले मिलता है। फिर वो तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और मैनुअल रुबेन से कहता है कि तुम यहाँ से जाने के लिए कितने पैसे लोगे, तो रुबेन कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रहा। कुछ दिनों बाद मैनुअल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और खिड़की से झांकता है तो वो देखता है कि लुपे और रुबेन एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मैनुअल शॉक हो जाता है। वो चुपके से किचन में जाता है और गैस के बटन्स ऑन कर देता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद फिर से गैस को बंद कर देता है। इतने में लुपे किचन की तरफ आती है और मैनुअल वहीं नीचे छुप जाता है। रुबेन भी किचन में आ जाता है और लुपे के साथ वहां पर भी रोमांस करने लगता है। फिर इस सब से उदास होकर मैनुअल एक बार में जाता है और पीने लगता है और फिर लुपे को इम्प्रेस करने के लिए घर पे कुछ म्यूजिशियंस को लेकर आता है। वो लुपे के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और फिर रुबेन आकर उसे नीचे गिरा देता है। अगले दिन मैनुअल लुपे से पूछता है कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ हैं, तो लुपे कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो मैनुअल उसे गुस्से में होर कहकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधे रुबेन के पास जाता है जहाँ वो पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। मैनुअल उससे झगड़ा करने लगता है और रुबेन उसे फिर से मारकर भगा देता है। अगली सुबह मैनुअल रुबेन का पीछा करता है और देखता है कि रुबेन उसके घर का सामान किसी को बेच रहा होता है। वो घर आकर लुपे को रुबेन के बारे में बताता है और लुपे को इसके बारे में पहले से ही पता होता है। वो कहती है कि तुमने ही रुबेन को चुना था इस काम के लिए। मैनुअल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। वो घर के बाहर से छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद लुपे रुबेन और उसके दोस्त के साथ एक गाड़ी में बैठकर मैनुअल को छोड़कर चली जाती है, जिससे मैनुअल उदास हो जाता है और थोड़ी देर बाद घर में जाता है। वो अपना बनाया हुआ फर्नीचर तोड़कर उसमें आग लगा देता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।